ये है भारत और उसके 9 नेबर्स। यू नो, पिछले कुछ सालों से यहाँ कुछ अजीब क्रेजी घटनाएं हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल फरवरी 2021 में हमारे ईस्टर्न नेबर म्यांमार में वहाँ की मिलिट्री ने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ तख्ता पलट किया। मिलिट्री जनरल मिन आन ग्लाइंग ने खुद को प्राइम मिनिस्टर घोषित किया। उन्होंने म्यांमार की डी फैक्टो सिविलियन लीडर आंग सान सू की, प्रेसिडेंट विन मिंगेट और डिफरेंट बर्मी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया। देश में ब्रूटल स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जिससे नेशन वाइड प्रोटेस्ट निकली। हजारों लाखों बर्मी सिविलियंस ने म्यांमार मिलिट्री के खिलाफ जैसे वॉर छेड़ दी। एक्चुअली म्यांमार में पहले से ही मेजोरिटी बर्मीज और दर्जन्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स के बीच कई सालों से इथनिक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, फ्रॉम रोहिंग्या टू शान पीपल एंड फ्रॉम कारेन टू चाइनीज वा पीपल। विद दिस मल्टीपल सिविल वॉर्स, मिलिट्री कू और कोविड पेंडेमिक, 2021 में म्यांमार की इकोनॉमी 20% तक गिर गई एंड म्यांमार की ऑलमोस्ट आधी आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गई। इधर हमारे वेस्टर्न नेबर अफगानिस्तान में तालिबान और यूएस के बीच हुए दोहा एग्रीमेंट के बेसिस पर मई 2021 में यूएस और नाटो ट्रूप्स ने 20 साल के अफगान वॉर के बाद अफगानिस्तान खाली करना शुरू किया। अब वीक अफगान आर्मी तालिबान से ज्यादा टाइम तक नहीं लड़ पाई और धीरे धीरे कई अफगान प्रोविंसेस पर तालिबान का कब्जा होने लगा एंड आखिरकार 15 अगस्त 2021 में कैपिटल काबुल पर भी तालिबान का कंट्रोल हो गया। अफगानिस्तान की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट गिर गई एंड प्रेसिडेंट अशरफ घनी को नेबरिंग ताजिकिस्तान में भागना पड़ा। सडनली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के देश पर कंट्रोल कर लेने के कारण हजारों लाखों अफगान सिविलियंस डर के मारे अफगानिस्तान को छोड़ने पर मजबूर हो गए। तालिबान के टेकओवर के बाद करीबन 10 लाख अफगान रेफ्यूजीज अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं। यूएस एंड नाटो फोर्सेज ने ही 1 लाख के करीब अफगान सिविलियंस को इवेक्युएट करवाया एंड 3 लाख से ज्यादा अफगान रेफ्यूजीज नेबरिंग पाकिस्तान और ईरान में एंटर हो चुके हैं। एंड देन समथिंग एक्सट्रीम हैपेंड इन अवर साउदर्न नेबर श्रीलंका। कंट्री के इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण श्रीलंका में 2022 के शुरुआत से ही मैसिव प्रोटेस्ट चल रही थी, विथ लार्ज एक्सटर्नल डेब्ट, कोविड-19 और गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट के कारण श्रीलंका का इन्फ्लेशन जो जनवरी में 14% था वो जून तक 54% तक बढ़ गया, जिससे लोगों को हर रोज लॉन्ग पावर कट और यहाँ तक के बेसिक जरूरी चीजें लाइक फूड, मेडिसिन और फ्यूल तक की शॉर्टेज हो गई। मल्टीपल बार गवर्नमेंट ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी और कर्फ्यू भी लगाया, लेकिन फिर भी 9 जुलाई 2022 में सैकड़ों प्रोटेस्टर सिक्योरिटी को तोड़कर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुसाए, जिससे प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे को पहले मालदीव भागना पड़ा और बाद में वो सिंगापुर शिफ्ट हो गए। ऐसा ड्रामेटिक सीन ना ही श्रीलंका ने और ना ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने अपनी इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में देखा था। और सिर्फ ये तीन ही नहीं बल्कि भारत के ऑलमोस्ट सभी नेबर्स एक्सट्रीमली अनस्टेबल है, लाइक पाकिस्तान, जहां 75 ईयर्स की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में एक भी प्राइम मिनिस्टर अपनी सिर्फ 5 ईयर की टर्म भी कंप्लीट नहीं कर पाया है। पाकिस्तान ने अभी तक 29 प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, जिनमें से सभी को 5 साल होने के पहले ही निकाल दिया गया। कुछ की हत्या कर दी गई, कुछ पर करप्शन चार्जेस लगे, कुछ को मिलिट्री कू के कारण मिलिट्री ने निकाल दिया और कुछ को वहां के प्रेसिडेंट ने ही डिस्क्वालिफाइड कर दिया, तो कुछ को नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के कारण बीच में ही रिजाइन करना पड़ा।